Hello friends, welcome to Impulse Physio. So in today's video, we will be discussing about rigidity versus spasticity. I have often seen many of the students getting confused between these two terms. So let's get started. Discuss karne ja rahe hain spasticity versus rigidity. Par ye topic hum under four headings padhenge. Pehla lesion. दूसरा मसल ग्रुप के इन्वॉल्वमेंट, तीसरा टोन एंड फोर्थ रिजिडिटी स्ट्रेच। सबसे पहले हम अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो हमें पता है कि स्पास्टिसिटी में भी हमारी मसल टोन जो है वो बढ़ती है, रिजिडिटी में भी हमारी मसल टोन जो है बढ़ती है। तो इनके बीच को कैसे हम डिफरेंस करें इन दोनों के बीच में, सो लेट्स लर्न दैट। लीजन, अगर पहला हम लीजन की बात करें तो स्पास्टिसिटी अगर होगी तो पिरामिडल ट्रैक्स की इन्वॉल्वमेंट होगी या फिर इंटरनल कैप्सूल की इन्वॉल्वमेंट जो है देखी जाएगी। सो अगर हमारे ब्रेन में ये दो रीजन्स में से अगर कोई भी एक अफेक्टेड हो जाता है तो हमारा पेशेंट क्या है, स्पास्टिसिटी रिपोर्ट करेगा। सेकंड हम पढ़ते हैं मसल ग्रुप इन्वॉल्वमेंट। इसमें इधर एगनिस्ट मसल एगनिस्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर एंटागनिस्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब एक टाइम पे इनमें से कोई एक ही होगा जो इन्वॉल्व होएगा। टोन, इसमें हाइपरटोनिया देखा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मसल टोन जो है वो बढ़ जाती है, पर इसमें क्लास्प नाइफ फिनोमिना जो है देखा जाता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि इसमें क्लास्प नाइफ स्पास्टिसिटी जो है वो देखी जाती है। अब क्लास्प नाइफ होता क्या है, ये क्वेश्चन है। क्लास्प नाइफ स्पास्टिसिटी को समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि अगर मैं अपनी एल्बो को फ्लेक्स करने की कोशिश करूं तो मेरे को इनिशियल मोशन में, जब मैं इनिशियल स्टार्ट कर रही हूं एल्बो फ्लेक्शन करना, तो मुझे पेशेंट में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो फील हो रही है, एंड फॉलोड बाय नो रेजिस्टेंस। आई रिपीट अगेन, मैंने एल्बो को फ्लेक्स करना है, पर जैसे ही मैंने फ्लेक्स करना शुरू किया, इनिशियली मुझे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिली एंड फॉलोड बाय नो रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड एज क्लास्प नाइफ स्पास्टिसिटी। अगर हम इसके रिजिडिटी स्ट्रेच की बात करें तो ये सेंसिटिव होता है। इसी टाइम पे अगर हम इसका कंपैरिजन करें रिजिडिटी से, तो लीजन रिजिडिटी तब रिपोर्ट होगी जब लीजन जो है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक में हो। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक यानी बेसल गैंग्लिया, इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल है पार्किंसन डिसीज, क्योंकि उनमें रिजिडिटी जो है रिपोर्टेड की जाती है, उनमें बेसल गैंग्लिया जो होता है वो हमारा अफेक्टेड होता है। इसमें मसल ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट, एगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट बोथ इन्वॉल्व होंगे सेम टाइम पे। टोन, ये भी हाइपरटोनिया है, इसमें भी मसल टोन जो है वो हमारी बड़ी नहीं होएगी, पर इसमें दो तरीके की रिजिडिटी देखी जाती है। एक होती है हमारे पास लेड पाइप रिजिडिटी और दूसरी हमारे पास होती है कॉग व्हील रिजिडिटी। लेड पाइप रिजिडिटी को समझने के लिए अगेन मैं एल्बो फ्लेक्शन की एग्जांपल लेती हूँ। वी हैव फ्लेक्स्ड अवर एल्बो, बट मुझे रेजिस्टेंस थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन अगर मिलती है एल्बो फ्लेक्शन पे, तो मैं उसको बोलूँगी ये है लेड पाइप रिजिडिटी। तो रिमेंबर, इसमें हमें जो रेजिस्टेंस मिल रही है वो थ्रू आउट मिल रही है। थ्रू आउट द मोशन व्हेन आई एम फीलिंग द रेजिस्टेंस, देन इट इज रेफर्ड टू एज लेड पाइप रिजिडिटी। नाउ सेकंड वाज कॉग व्हील। कॉग व्हील हम तब फील करते हैं व्हेन देयर आर कैचेस इन बिटवीन, मतलब जब मैं एल्बो को फ्लेक्स कर रही हूँ तो मुझे रेजिस्टेंस मिली, followed by no resistance, again resistance and followed by no resistance. So I can say there are catches in between. When there are catches in between, it is called as cog wheel. When resistance is throughout, it is called lead pipe. And when there is initial resistance followed by no resistance, it is called as clasp knife spasticity. So I hope aap inme confused nahi honge. और इसमें जो हमारा रिजिडिटी स्ट्रेच है रिजिडिटी में, वो नॉट सेंसिटिव है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको इन दोनों के बीच में अच्छी तरीके से डिफरेंस जो है एक्सप्लेन किया है।
टू द वंस जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.